कोई बता ही नहीं रहा कुछ क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए, कुछ क्या हो रहा है? अब क्या होगा? हट जाइए, हट जाइए। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग हट जाइए। अरे बताइए क्या हो रहा है अंदर? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा अंदर क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, कुछ बताइए तो सही। मिस्टर मोदी, शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मशीन चालू है, पर जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे हमारे हॉस्पिटल के लोग जनरेटर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कुछ करवाइए ना जल्दी। जी ये बिजली की व्यवस्था करने में और कितना समय लगेगा? मॉम, शॉर्ट सर्किट हुआ है, पता नहीं बिजली आने में कितना वक्त लगेगा। सिस्टर, सिस्टर, डॉक्टर को बोल दीजिए इलेक्ट्रिशियन आ चुका है और बिजली आने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, सुनिए, कितना वक्त लगेगा बिजली आने में? सर वो तो पता नहीं है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, और अगर वायरिंग चेंज करनी पड़ी तो 1 घंटा भी लग सकता है। 1 घंटा? ये हॉस्पिटल है क्या ये? सर ये आप क्या कर रहे हैं? क्या भाई, प्लीज छोड़िए भाई। अरे कोई कुछ बताता नहीं है। छोड़ा, शांत हो जाओ, विवेक से काम लो। भाई साहब माफ कीजिएगा। सर हमारे यहाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक हो जाएगा। देखिए हम समझ सकते हैं, बस आप प्लीज जल्दी से जल्दी जनरेटर चालू करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी अहम, शांत हो जाओ। वार्ड बॉय, यस सर। देखिए एक और इमरजेंसी लाइट, जल्दी लेके आओ, जल्दी। डॉक्टर वो गोपी। देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वैसे इन हालात में एक्सक्यूज मी। वो डॉक्टर, गोपी ज्यादा खून ले लिया होता तो,
कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती। तुम तो चुप ही रहो। करके बिजली वापस आ जाए, मेरी गोपी की रक्षा कीजिए ठाकुर जी। मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ, मेरी बच्ची को आप ही हैं जो अपने पैरों पे खड़ा कर सकते। हेलो मिस्टर कोटक, आपने बताया नहीं कि आपकी टिकट ऑफिस में भेजू या घर पे? ओ मिस्टर कोटक, मेरी टिकट कैंसिल करवा दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन सर, मिस्टर कोटक, मैं प्लीज आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर साहब अभी ठीक हो जाएंगे ना? आई एम सॉरी मिस्टर मोदी। Thank you.